हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात करें इस मैच की, इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ लोकल मैचेस के वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर शारजा रमजान T10 चल रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पर केरला मेंस T20 चल रहा है। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि इस मैच की जो भी फाइनल टीम रहेगी या जो भी फाइनल अपडेट रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप लोग सर्च कर सकते हो फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च करोगे @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। बात करें इस मैच की, तो ये मैच सुबह शाम को 7:30 पर MH चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। देखो ये जो स्टेडियम है ना, यहाँ पर स्लो ट्रैक है, यानी कि रन इतने अच्छे बनते नहीं है, हालांकि फिर भी 140-150 तक तो जाएगा ही आंकड़ा, लेकिन यहाँ पर स्पिनर्स को काफी अच्छी हेल्प मिलती है, तो यहाँ पर स्पिनर्स के ऊपर हमें फोकस करना है। बाकी यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम को कहीं ना कहीं एडवांटेज है, 10 मैच यहाँ पर 18 में से 10 बार यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है, चेजिंग करते हुए टीम ने जीती है 8 मैच। विकेट्स की बात करूं, विकेट्स में यहाँ पर 18 मैचेस खेले गए जिसमें से 103 विकेट पेसर्स ने निकाले, स्पिनर्स को मिले 102 विकेट। तो यहाँ पर इक्वली आंकड़े, मैंने आपको पहले बताया कि स्पिनर्स को काफी अच्छी हेल्प मिल रहेगी। और साथ ही में यहाँ पर लास्ट मैच के में भी परफॉर्मेंस की बात करूं तो 5 विकेट यहाँ पर पेसर्स को मिली थी, तो 4 विकेट यहाँ पर स्पिनर्स को मिली थी। तो यहाँ पर मेन चीज यहाँ पर आती है वेन्यू परफॉर्मेंस। वेन्यू परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई देखो, चेन्नई सुपर किंग का ये होम ग्राउंड है और यहाँ पर ना ये टीम का परफॉर्मेंस कुछ अलग लेवल का होता है। 60 मैच खेले जहां पर 41 मैच जीती है, विनिंग रेशियो देख सकते हैं अलविदा से 41 मैच जीती है, सिर्फ 19 मैच हारी है। और बात करिए ऐसे लखनऊ सुपर जायंट की, तो इन्होंने अभी तक एक भी मैच इस ग्राउंड के ऊपर खेली नहीं, तो पहली बार खेलेगी इस ग्राउंड के ऊपर। बाकी बात करिए पर हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो एक मैच का खेला गया था पिछले टूर्नामेंट के अंदर जहां पर LSG ने बाजी मारी थी लखनऊ सुपर जायंट ने, जहां पर इन्होंने जीता था, लेकिन आपको बता दूं कि CSK ने वहां पर 210 रन किए थे और उस आंकड़े को यहां पर लखनऊ सुपर जायंट ने 211 करके उस मुकाबले को जीता था। तो भाई यहां पर रन्स भी बनेंगे, तो भी यहां पर आपको दोनों साइड से रन्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की, तो चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन उनका मैच यहाँ से गुजरात के सामने था। गुजरात के सामने पिछले सीजन में भी यहाँ पर 2022 की बात करो तो वहां पर भी उन्होंने दोनों ही लीग मैच हारी थी और यहाँ पर भी शुरुआत गुजरात के सामने खराब ही रही है। ओपनिंग में कौन थे? ओपनिंग में थे ऐसे डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़। अभी कॉनवे की बात करो तो इस टूर्नामेंट से पहले इनका परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रहा, लेकिन यहाँ पर बात करो तो पिछली मैच के अंदर 1 रन पे जबरदस्त आउट हुए और मोहम्मद शमी ने उनको बहुत ही बुरी तरह से बोल्ड किया था, लेकिन ओवरऑल प्लेयर जबरदस्त है। विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेगा तो हमें इनको एज अ प्लेयर लेके भी जाना है, इवन मैं तो यहाँ से इनको एक बार फिर से कैप्टन वाइस कैप्टन सजेस्ट करूंगा। लास्ट मैच में भी हमारे कप्तान थे और इस मैच के अंदर भी हमें इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकता हूँ। इनके अलावा ऐसे ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने लास्ट, अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा यहाँ पर चेन्नई का और गुजरात का जो मैंने वीडियो बनाया था, तो वीडियो के अंदर मेरी टीम के कप्तान थे यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़। हालांकि जब आखिरी टीम दी तो मैंने यहाँ पर डेवन कॉनवे को कैप्टनशिप दे दी थी, लेकिन एक बार फिर से भी इन दोनों में से किसी को भी आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टनशिप दे सकते हैं। इनके अलावा ऐसे बात करें मोइन अली की, तो मोइन अली ने शुरुआत काफी दमदार की थी, क्योंकि देखो भाई ये तो बंदा है ना, इसको ऊपर भेजा गया है कि भाई यहाँ से हिटिंग करने के लिए, तो वही बातें इन्होंने आके अपना काम तो कर लिया था। और मोइन अली का अगर हम देखें यहाँ पर नसीब अच्छा रहा था, क्योंकि एक बार उनको आउट दे भी दिया गया था लेकिन वो डिब्री से बच गए थे, लेकिन इसके बाद वो नहीं बचे। तो यहाँ पर 2 बार जीवन दान लेने के बाद उन्होंने 23 रन किए थे और साथ में ओवर्स नहीं करवाए, तो जरूरत पड़ने पर ओवर्स करवा सकते हैं, क्योंकि इस ट्रैक के ऊपर स्पिनर्स को अच्छी हेल्प है। तो यहाँ पर मोइन अली अगली मैच के अंदर यहाँ पर 1 से 2 ओवर्स की गेंदबाजी करवा सकते हैं, चांसेस है। इस प्लेयर को पर भी आप लोग रिस्क ले सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टनशिप का। बाकी बेन स्टॉक की बात करो तो लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि बेन स्टॉक जो है वो अगली 4-5 मैच के लिए ओवर्स नहीं करवाएंगे, और नहीं करवाई, लास्ट मैच के अंदर 7 रन ही किए।
तो इनको अभी के लिए लेके जाना थोड़ा सा रिस्की है मैं मानता हूँ, हालांकि इनको ड्रॉप करना भी रिस्की है, कभी भी बड़ी बारी खेल सकता है, तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंड है, आप लोग चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी अंबाती राइडू प्लेयर अच्छा है, लेकिन वही इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, तो ऊपर से अगर कोई बड़ी पार्टनरशिप हो जाती है तो अंबाती राइडू की बैटिंग आनी थोड़ी सी मुश्किल है, तो इनको थोड़ा सा डिफरेंस में ट्राई करेगा। शिवम दुबे भी ने भी ओवर नहीं करवाया, तो इनको भी अभी के लिए रिस्की मानता हूँ मैं। रविंद्र जाडेजा वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ये चार ओवर्स पूरी करवाएंगे और इस पिच के लिए कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए अच्छी चॉइस है रविंद्र जाडेजा, क्योंकि स्पिनर टैग के ऊपर यहाँ पर 2-3 विकेट निकाल सकते हैं। धोनी ने यहाँ पर 14 रन किए थे, भाई इनके लिए रिस्पेक्ट हमेशा के लिए रहेगी, लेकिन वही बात है पिछली मैच के अंदर भी मैंने बताया था कि भाई इनका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहेगा। 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए आए और मैंने ऐसे 6ठे नंबर में मेंशन किया था, लेकिन वो आए 8वें नंबर पर, तो बैटिंग के लिए ज्यादा आएंगे नहीं वो, तो इसके लिए इनको अभी के लिए लेके जाना रिस्की है। रिस्पेक्ट इनके लिए सदा दिल में बनी रहेगी, हम भी इनके बड़े फैन है, लेकिन इनको लेके जाना अभी के लिए रिस्की रहेगा। मिचेल शैंटनर ने लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रहे, लेकिन इस मैच के लिए एक आधी विकेट निकाल सकते हैं, डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो। दीपक चहर और यहाँ पर तुषार पांडे दोनों की आखिरी में धुलाई जबरदस्त हुई, दोनों ही देथ में आए थे, और एक की धुलाई यहाँ पर राशिद खान ने की, तो एक की धुलाई यहाँ पर तेवड़िया ने की, लेकिन ये दोनों ही ने डेथ ऑर्डर डेथ में गेंदबाजी की थी, लेकिन दोनों ही फैल रहे थे, और वो इन्हीं की बदौलत यानी कि डेथ बॉलिंग खराब रही और उसी की बदौलत चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा, वरना फिर ऐसे मैच सही ट्रैक पे जा रहा था। एंगरकर ने 3 विकेट निकाली और इस बंदे के लिए मैंने लास्ट मैच के अंदर भी ऐसे वीडियो के अंदर बताया था कि इस प्लेयर को आप लोग जरूर ट्राई करेगा, अंडर 19 वर्ल्ड कप से उभर के आए ये प्लेयर और अच्छा प्लेयर है और भरोसा कर सकते हैं हम लोग आगे भी। स्टार्टिंग में ऐसे दीपक चहर और तुषार देशपांडे स्टार्टिंग और डेथ वॉल दोनों में आएंगे, इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाना है आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। अभी देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहते हैं, तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर में कौन आ सकता है, कहाँ किसको आने की संभावना है, तो यहाँ पर सारे नए प्लेयर्स हैं और मुझे लगता नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर कुछ ज्यादा बदलाव कर सकते, तो इसके लिए मुझे लगता नहीं कि यहाँ से कुछ सब्स्टिट्यूट प्लेयर वगैरह को मौका मिल सकता है। बाकी यहाँ पर टीम को जरूरत पड़ी तो किसी एक लोकल प्लेयर को ले सकती है, क्योंकि प्रेटोरेस अवेलेबल है या नहीं है वो तो बिग क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अगर अवेलेबल रहते हैं तो इनको जरूर लेके जाएगी टीम। एलएसजी यानी कि लखनऊ सुपर जायंट की बात करते हैं, केएल राहुल और कायल मेयर्स दोनों ओपनिंग करवाएंगे, और कायल मेयर्स ने लास्ट मैच के अंदर 73 रन की एक तगड़ी पारी खेली, भाई जबरदस्त खेल रहे थे, पंका रिसेंटली अच्छे फॉर्म में है, और इससे पहले भी मैंने वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि हमने इनको ओपनिंग में मेंशन किया था 73 रन की पारी करी, एज अ प्लेयर तो हमें लेके जाना है, इवन कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। राहुल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगा विकेट कीपिंग सेक्शन से, तो इस मैच के लिए हमें शायद यहाँ पर 2 विकेट कीपर को लेके जाना पड़ सकता है। इनके अलावा ऐसे बात करें दीपक कूड़ा की, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, और पूरा आईपीएल हम लोग यहीं पर खेलने वाले रियल 11, क्यों यहाँ पर क्यों खेलना है इसके बेनिफिट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर खेलने का सबसे पहला फायदा है कि इसमें ना फर्स्ट गेम जो भी आप पहली गेम खेलोगे वो बिल्कुल फ्री रहेगी, लोएस्ट एंट्री फीस है पूरे मार्केट में, इसके अलावा ऐसे वेलकम बोनस आपको 5,000 तक मिल सकता है, फ्री गिव अवे यानी कि हर एक मैच के अंदर आपको फ्री गिव अवे मिलेंगे, हर एक मैच के अंदर बड़ा गिव अवे भी छोटा मोटा नहीं होता भाई, बड़े गिव अवे होते हैं यहाँ पर। 0% लिंक कमीशन लिंक मिलेगी, यानी कि जितना आप इन्वेस्ट करोगे ना उसका डबल मिलेगा आपको, तो वो लिंक भी आपको मिलेगी। इनके अलावा से 100% अश्योर विनिंग वाले कॉन्टेस्ट आपको मिलेंगे, लोएस्ट एंट्री फीस तो यही, साथ में आप लोग फैंटासी के साथ साथ यहाँ पर ओपिनियन पोल्स खेल सकते हैं, यानी कि आपको सिर्फ ओपिनियन देना है कि कौन सा प्लेयर ज्यादा रन बना सकता है या फिर यहाँ पर कौन सी टीम जीत सकती है, ये ओपिनियन देख के भी आप लोग यहाँ से अच्छी खासी विनिंग कर सकते हैं, तो अपना ओपिनियन दो और आसानी से विनिंग करो। यहाँ पर हम लोग दीपक हुडा की बात करो, दीपक हुडा ने लास्ट मैच के अंदर 17 रन किए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं लास्ट मैच के अंदर मेरे कप्तान थे जहां पर 17 रन किए, क्योंकि मुझे उम्मीद थी इनसे कि कई एक आधी ओवर्स करवा सकते, लेकिन उन्होंने ओवर्स नहीं करवाई और टीम को जरूरत पड़ी भी नहीं। एक बार फिर से मेरा सजेशन रहेगा इस प्लेयर को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। कृणाल पंड्या ने भी लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं करवाई, ये भाई साहब भी यहाँ पर लास्ट मैच के अंदर 15 रन किए, 4th नंबर पर खेलने के लिए ओवर्स नहीं करवाए, अगले मैच के अंदर इनसे भी ओवर्स करवाई जा सकती है। स्टॉइनिस को अभी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इनकंसिस्टेंट रहेंगे, बैटिंग से थोड़े से नीचे रहेंगे, हालांकि ट्राई कर सकते हो, प्लेयर बड़ा है लेकिन मौका थोड़े से कम मिलेंगे, इनको मौके बहुत ही कम मिलेंगे। निकोलस पुरोन ने 36 रन किए लेकिन इनका भी बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, तो आई थिंक यहाँ पर इन तीनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो आप लोग, कृणाल पंड्या, स्टॉइनिस और यहाँ पर पुरन, इन तीनों में से किसी एक को आप लोग लेके जा सकते हो। आयुष मदानी को अभी के लिए लेके जाना रिस्की रहेगा, काफी नीचे खेले। इनके अलावा से कृष्णप्पा गौतम, ये कृष्णप्पा गौतम जो है ना वो लास्ट मैच के अंदर सब्स्टिट्यूट आए थे, जहां पर उनको बैटिंग के लिए भेजा गया, एक ही गेंद खेलने को मिली जहां पर इन्होंने छक्का मार दिया, साथ में 4 ओवर की गेंदबाजी की, विकेट लेस रहे।
तो आई थिंक इस मैच के लिए भी आप लोग इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कृष्णप्पा गौतम है ना, वो पिछले सीजन में यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग के साथ थे, तो ये फायदा यहाँ पर राहुल उठा सकते हैं और यहाँ पर कृष्णप्पा गौतम को मौका दे सकते हैं। जयदेव उदयंकर रिसेंटली अच्छे फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर लास्ट मैच के अंदर विकेट ले चले, तो रिस्की तौर पर ट्राई कर सकते हो। मार्क वुड ने जबरदस्त पंजा लगाया भाई, 5 विकेट निकाले। ये मार्क वुड आई थिंक यहाँ पर 5 या 6 साल बाद यहाँ पर आईपीएल में खेलने के लिए आए, शुरुआत अच्छी रही तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इनके साथ। अवेश खान इंपोर्टेंस रहेंगे, रवि बिश्नोई यहाँ पर स्पिनर ट्रैक है तो ट्राई करना चाहो तो फंस सकते हो। स्टार्टिंग ओवर्स में यहाँ पर कायल मेयर्स और जयदेव उनडकर, डेथ ओवर्स में यहाँ पर मार्क वुड और जयदेव उनडकर डेथ में आएंगे। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाना है आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है अभी के लिए। देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेकर जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें अगर टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से राहुल और कॉनवे दोनों को लेंगे, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी टीम की तरफ से ओपनिंग करवा रहे हैं, प्लेयर अच्छे हैं, दोनों ही बैटिंग से अच्छा एडवांटेज दे सकते हैं। साथ में यहाँ पर डी कॉक शायद यहाँ पर टीम खेल सकते हैं शायद, तो अगर वो खेलते तो फिर यहाँ पर 3 विकेट कीपर को आपको लेना पड़ सकता है। बैटिंग सेक्शन में ऋतुराज गायकवाड़ है, दीपक हुडा और शिवम दुबे को मैंने लिया है। आप लोग शिवम दुबे की जगह पर यहाँ से किन को ले सकते हैं, तो और चॉइस यहाँ पर बदानी और रायडू बसते हैं, तो वहां पर मेरा चॉइस यहाँ से राहुल रायडू रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में जाडेजा है, मोइन अली है और या से काइल मायर्स हमारी टीम के अंदर रहेंगे। यहाँ पर आप लोग स्टॉइनिक या बेन स्टॉक दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हो। कुणाल पंड्या लास्ट मैच में बैटिंग से ऊपर आए थे, प्लस ओवर्स वगैरह इस मैच के लिए करवा सकते हैं, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में अवेश खान है, मार्क वुड है और यहाँ पर हैंगरकर को मैंने लिया है। आप लोग हैंगरकर की जगह पर जैसे दीपक चहर या बिश्नोई को ट्राई कर सकते हैं। टीम की बात करूँ तो टीम को जिस तरह से रहेगी हमारी, यहाँ पर कप्तानशिप दिया हुआ है मैंने यहाँ पर रविंद्र जाडेजा को, वाइस कैप्टन ऐसे गायकवाड़ रहेंगे। अदर चॉइस की बात करें तो राहुल और कॉनवे दोनों बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए। और लास्ट मैच के अंदर जैसे मैंने दीपक कोड़ा के ऊपर रिस्क लिया था, आई थिंक एक बार फिर से इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। बाकी टीम को जिस तरह से रहेगी याद रहे, जो टीम है डेमो है, फाइनल आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। और साथ में रियल 11 को भी डाउनलोड कर लेना, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, और उनके खेलने के लिए फायदा मैंने आपको बता दिए। अगर मेरा रिफर कोड यूज करोगे तो आपको 5,000 तक कैश बोनस भी मिल सकता है। तो ये सारी अच्छे से डिटेल्स है और अच्छे बेनिफिट्स है, इसके लिए हम लोग रियल 11 पे ही खेल रहे हैं, तो आप लोग भी रियल 11 पे आ जाइएगा और अच्छी खासी विनिंग करिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरा वीडियो देखना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।